हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको प्रैक्टिस सेट का छठवां भाग बताने वाला हूं, जो कि इन सभी ट्रेडों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो यहां नीचे आप देख रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं, देर ना करते हुए चलिए तुरंत देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि लोको पायलट एवं टेक्नीशियन में पूछे जाने की संभावना है। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है, जो जिसके कारण विद्युत चलता है तो उस बल को क्या कहते हैं। तो उस बल को, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है विद्युत धारा, ऑप्शन बी है प्रतिरोध, ऑप्शन सी है विद्युत वाहक बल, ऑप्शन डी है विभवांतर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए और फिर इसके आगे आप आंसर देखिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, EMF। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीटर जो वोल्टेज मापता है क्या कहलाता है। तो वोल्टेज को किससे मापा जाता है, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एवो मीटर, ऑप्शन बी है एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी है मल्टीमीटर। ऑप्शन देख लीजिए आप और तुरंत कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा इसका, ठीक है। तो इसके बाद आपकी अच्छी तरह से, इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वोल्ट मीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। प्रतिरोध का मात्रक, ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी मिली वोल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओम होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर, देखिए यहाँ पर किस पर निर्भर नहीं करता है, नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है चालक की बनावट पर, ऑप्शन बी है चालक की लंबाई पर, ऑप्शन नंबर सी है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ऑप्शन नंबर डी है चालक का प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वो चालक की बनावट पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने पर कार्बन का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। तो तापमान बढ़ने पर कार्बन के प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। ऑप्शन ए इसका है बढ़ता है, ऑप्शन बी शून्य हो जाता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, या ऑप्शन नंबर डी घटता है। तो इसका सही आंसर होगा, तापमान अगर बढ़ेगा तो कार्बन का प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करेंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अचालक ऊष्मा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कि हीट से, ऊष्मा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है PVC, ऑप्शन बी है अभ्रक, ऑप्शन सी है कागज, और ऑप्शन नंबर डी है लैटेलाइट, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, PVC ऊष्मा से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तापमान बढ़ने से प्रतिरोध का ताप गुणांक क्या होता है। बढ़ता है या फिर घटता है, या बढ़ता है या फिर स्थिर रहता है, या फिर शून्य रहता है, या फिर घटता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तापमान बढ़ने से प्रतिरोध का ताप गुणांक बढ़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। इसका ऑप्शन है वाट, ऑप्शन बी है किलोवाट, ऑप्शन सी है किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर डी है जूल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किलोवाट घंटा होता है विद्युत ऊर्जा की इकाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, MKS पद्धति में 1 हॉर्स पावर में कितने के बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है। तो MKS पद्धति में इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 746 वाट, ऑप्शन बी है 735.5 वाट, ऑप्शन सी है 830 वाट, ऑप्शन डी है 4180 वाट। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 746 वाट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलो कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 4200 जूल होता है, या फिर ऑप्शन बी 4180 जूल, या ऑप्शन नंबर सी 4.180 जूल, या फिर ऑप्शन नंबर डी 4.18 × 10^2 जूल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4180 जूल होता है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ 1 किलो कैलोरी, अगर 1 कैलोरी होता तो वो आपका 4.18 जूल होता है, लेकिन यहाँ 1 किलो कैलोरी है इसलिए 4180 जूल हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 100 वोल्ट लगाया जाता है।
तो प्रतिरोध द्वारा शक्ति कितनी होगी। तो ये सिंपल सा इसका फार्मूला है, आप पी बराबर होता है वी स्क्वायर अपन आर होता है, ठीक है। तो इससे आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 1000 वाट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 एम्पियर विद्युत धारा के साथ 20 ओम के प्रतिरोध द्वारा ली गई शक्ति कितनी होगी। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है, तो आप वहाँ से सॉल्व करके इसका निकाल लेंगे तो ऐसे कितना हो जाएगा इसका। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 2 किलोवाट इसका सही आंसर आएगा। पी बराबर आई स्क्वायर आर, इस फार्मूले से इसका जो पावर है शक्ति निकालना है इससे निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 200 200 वाट के 5 लैंपों द्वारा 30 पैसे पर किलोवाट आवर की दर से 5 घंटे में खपत की गई ऊर्जा का मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह निकालना है कि कितनी ऊर्जा की खपत हुई है और उस जितनी खपत हुई है उस सब का मूल्य निकालना है कि कितना हो जाएगा। तो पहले देखते हैं, 200 वाट का 5 लैंप, तो मतलब कि 1000 वाट आपका इसी तरह हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। तो 1000 वाट गुणे 5, कितने घंटे चल रहा है, तो 5 घंटे चल रहा है, तो 5000 घंटा हो जाएगा ये, ठीक है। तो 5000 घंटा जब ये हो जाएगा तो इसका निकालना क्या है, कितना निकालना है, 30 पैसा पर किलोवाट निकालना है। तो 5000 वाट मतलब कि 5 किलोवाट हो गया, ठीक है। तो इसका 5 गुणे आप 0.30 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1.50, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे इसे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न लिखित प्रतिरोध के साथ समांतर में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध क्या बनेगा, ठीक है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है, ऑप्शन बी है उच्च प्रतिरोध से कम होता है, ऑप्शन नंबर सी है उच्च व निम्न प्रतिरोधों के बीच की मात्रा के बराबर होता है, और इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा निम्न प्रतिरोध से कम होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ एक बार फिर से क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के साथ समांतर में जोड़ा जाता है, यहाँ निम्नलिखित नहीं होगा, निम्न होगा सिर्फ, निम्न प्रतिरोध के साथ समांतर में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध से कम बनेगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट और 250 वोल्ट और 60 वाट और 250 वोल्ट के 2 लैंप उपलब्ध हैं, तो दोनों में क्या समान है, क्या समानता, इसकी ऑप्शन आप देखकर बताइए कि क्या आंसर इसका होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दोनों है, दोनों लैंपों का प्रतिरोध समान होगा। ऑप्शन बी है, 100 वाट के लैंप का प्रतिरोध 60 वाट के लैंप से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी है, 100 वाट के लैंप का प्रतिरोध 60 वाट के लैंप से कम होगा, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 वाट के लैंप का प्रतिरोध 60 वाट के लैंप से कम होगा, ठीक है। तो ये आप पिछले जो सवाल बताया हूँ मैं, वहाँ से आप लोग फार्मूला, वही फार्मूला लगेगा, उस फार्मूले से आप इसे निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 ओम 12 ओम एवं 24 ओम के मान के 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ठीक है, और 100 वोल्ट सप्लाई दिया गया है जो कि समांतर में जुड़े गए हैं, और प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है समान, ऑप्शन बी है भिन्न भिन्न, ऑप्शन सी है वोल्ट से कम, ऑप्शन डी है 100 वोल्ट से अधिक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समान हो जाएगा, क्योंकि जो प्रतिरोध समांतर क्रम में लगी होती है तो उन सभी का समांतर में जो सप्लाई दिया गया है आपका वोल्टेज वो समान होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 150 वाट और 100 वोल्ट और 60 वाट 100 वोल्ट के 2 लैंपों से कुल 200 वोल्ट सप्लाई पर श्रेणी में जोड़ा जाता है, ठीक है, और इनमें से किस लैंप पर आप संट जोड़ेंगे जिससे कि दोनों लैंप अपनी निर्धारित शक्ति लें। तो यहाँ पर कौन सा संट प्रतिरोध आपको जोड़ना है कि किस पर आप जोड़ेंगे ताकि जो दोनों में सेम, दोनों बल्ब में, दोनों लैंप में सेम पावर ले सके, ठीक है। तो इसे आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए है 60 वाट लैंप पर, ऑप्शन नंबर बी है 150 वाट लैंप पर, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों, मतलब ए और बी दोनों पर, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 60 वाट लैंप में आपको संट जोड़ेंगे तब ये निर्धारित प्रतिरोध निर्धारित शक्ति दोनों लेगी बल्ब, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बैटरी एक युक्ति है जो क्या करती है, रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, या ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, या ऑप्शन नंबर डी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी सेल है। तो यहाँ प्राइमरी सेल के बारे में बताना है कि कौन सा प्राइमरी सेल है। लेड एसिड सेल, ऑप्शन नंबर बी डेनियल सेल, ऑप्शन नंबर सी छारी सेल, ऑप्शन नंबर डी लैकलांसी सेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेनियल सेल। ये डेनियल सेल आपका प्राइमरी सेल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन सा सेकेंडरी सेल है। इसका ऑप्शन देखते हैं, डेनियल सेल, ऑप्शन बी है लेड एसिड सेल, ऑप्शन सी है शुष्क सेल, ऑप्शन डी है क्षारीय सेल। तो पिछले क्वेश्चन में देखा था कि प्राइमरी सेल पूछा हुआ था, तो डेनियल सेल प्राइमरी सेल हो जाता है और इसका सेकेंडरी सेल जो होगा वो क्षारीय सेल होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है तो क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या कास्टिक पोसाइड होता है, या फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, या फिर नाइट्रिक अम्ल होता है। तो यहाँ लेड एसिड से बैटरी में बताना है कि कौन सा एसिड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है लेड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला बैटरी की क्षमता किस पर निर्भर करती है। तो डिस्चार्ज की दर पर बैटरी की क्षमता निर्भर करती है, या फिर यह स्वतंत्र है, या ऑप्शन नंबर सी एम्पियर घंटा पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी तापमान पर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिस्चार्ज की दर पर बैटरी की क्षमता निर्भर करती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और नीचे देख रहे हैं ये फेसबुक का पेज है, फेसबुक के पेज को आप लोग लाइक कीजिए और वहाँ से आपको पुराने नोट्स वगैरह से स्टडी मटेरियल वहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, एडिसन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है तो क्या होता है, एडिसन सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल का, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, या ऑप्शन नंबर सी निकिल हाइड्रेट का, या ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिक अम्ल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एडिसन सेल में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लेड एसिड सेल का औसत विद्युत वाहक बल कितना होता है। तो लेड एसिड सेल का औसत विद्युत वाहक बल यहाँ बताना है कि कितना होता है। इसका ऑप्शन है 1.2 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है 1.08 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है 1.5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी है 2.2 वोल्ट। तो यहाँ पर लेड एसिड सेल पूछा गया है, तो लेड एसिड सेल का औसत विद्युत वाहक बल होता है 2.24 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेपर कंडेंसर एक प्रकार का है, कैसा कंडेंसर है। इसका ऑप्शन है चरोक कंडेंसर, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर, ऑप्शन सी है फिक्स्ड कंडेंसर, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पेपर कंडेंसर एक प्रकार का फिक्स्ड कंडेंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आज के 25 क्वेश्चन पूरे हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये हर समय सारे एग्जाम्स में समझिए कि पूछे जाते हैं, जो भी टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।